नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम न्यास है। आप देख रास्ता नेल पर आज की वीडियो लेके आ गया हूँ कि जी व्हाट्सएप में कुछ ऐसी सेटिंग जिससे अपन ऑन करने के बाद आपका अलग ही नज़ारा देखोगे, उससे आपको बहुत सेफ फील होगा। और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उस सेटिंग को ऑन करने के लिए, तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो को एंड तक देखना है। 3-4 मिनट की वीडियो होगी, पूरा देखोगे तो आप इसमें अच्छा नॉलेजेबल मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना है जिससे अपना जी व्हाट्सएप सेफ रहे। तो फर्स्ट आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद जीबी सेटिंग पे क्लिक करना है। जीबी सेटिंग आपको दिख रहा है, उस पे क्लिक करना है। जीबी सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अपन के पास वहाँ पर ऑप्शन आएगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल पे क्लिक करना है। मैं 3-4 बताऊँगा, आप देख लेना। यूनिवर्सल पे क्लिक करने के बाद अपन को जाना इधर, मैं बता देता हूँ, जैसे कि हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी। ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी, फोटो, वीडियो, गिफ्ट्स। ये इस तरह का, इसका क्या काम है क्या नहीं है मैं बता देता हूँ। जैसे कि अपनी कोई पर्सनल फोटोज़ वीडियोज़ हैं, उन्हें अपन गैलरी में नहीं दिखाना चाहते हैं, ओनली जी व्हाट्सएप में रखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसे ऑफ़ करना है। जैसे आप इधर से आपका ऑन होगा, मैंने पहले भी इसे ऑफ़ कर रखा है, ये मैंने किया, तो प्लीज़ वेट ए मोमेंट, ये सारी फ़ोटोज़ मेरी चले गई है गैलरी में। तो आपको दोस्तों इसे ऑफ़ कर देना है, ये सभी को ऑफ़ रखना है, पहला ये है। और दूसरा मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वापस बैक जाता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा वाला आपका क्या है, आपको 3 डॉट पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद जीबी सेटिंग पे नहीं जाना है, नीचे दिखेगा सेटिंग्स, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आपके सामने अकाउंट पे क्लिक करोगे, और 2 नंबर पे आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी पे। क्लिक करने के बाद आपको मैं बता दूँ इसका क्या काम है। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी का ये काम है कि इसे ऑन कर लेना है, कि जब भी कोई स्कैन करके अपना व्हाट्सएप खोलना चाहिए, स्कैन हो जाता है, उसके बाद ही व्हाट्सएप रहेगा और हमारे दोनों पास व्हाट्सअप चलता रहेगा, मैसेज सब डिटेल आते रहेंगे। तो दोस्तों आप ये चाहते हो कि हमारा व्हाट्सअप कोई हैक ना करे, कोई अपन हैक ना करे, और साथ में इसमें कोई अपन को व्हाट्सअप की कोई हैक करने की या कोई और टेक्निक से अपने व्हाट्सअप को नहीं करवाए, तो दोस्तों इसे ऑन कर लेना है, ठीक है ना। तो तीसरा आपको मैं होम स्क्रीन पे जाके बता देता हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। ये है कि अपन को क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर से सेटिंग में जाना है, अकाउंट में जाना है, उसके बाद अपन लिखेगा 3 नंबर पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर लेना है, और इधर से अपन को पासवर्ड लगा देना है। जैसे मैं कोई पासवर्ड लगा देता हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा सही पासवर्ड लगाता हूँ, अभी दोस्तों मैं पासवर्ड लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। तो दोस्तों ये किस तरह का है, इसमें भी यही है, कोई अपना फ़ोन, जैसे अपन को कोई फ़ोन लेके, इसमें भी स्कैन वाला सिस्टम है, स्कैन कर लेता है, तो दोस्तों उसे खोलने के बाद उसे यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा, वरना यहाँ पे अपन ईमेल भी दे सकते हैं, ईमेल नहीं देना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, ओके कर देना है। और ये अपन का अप्लाइंग सेटिंग्स पे आ गया, ये डन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ से अपन डिसेबल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ऐड ईमेल एड्रेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर का ये इस तरह का है, और 4 नंबर क्या करना है, तो दोस्तों वीडियो बने रही है, मैं वापस से होम स्क्रीन पर जाके ये देखो, मैं दोस्तों खोलते ही मिल रहा है। तो दोस्तों एक बार इसे देने के बाद ये अपना ऑन हो जाएगा, कोई भी व्हाट्सअप अपना छेड़ लेगा, कुछ भी कर ले, या कोई अपना ओपन कर ले सीधा, अपना फ़ोन पड़ा है उससे अपन नोटिफिकेशन, वो क्या है कि एक OTP लगा के ऑन करेगा, तो सबसे पहले फर्स्ट में उसे ये पासवर्ड देना पड़ेगा। दोस्तों ये 3 नंबर सिक्योरिटी अपने जी व्हाट्सएप की ये थी, और 4 नंबर क्या है तो वीडियो पे बने रहे, बता दूंगा। 4 नंबर की ट्रिक है, आपको 3 डॉट पे फिर से क्लिक करना है, जीबी सेट इस सेटिंग पे क्लिक करना है, अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद अपन दिखेगा 5 नंबर पे रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें ये क्या होता है कि रिक्वेस्ट रिपोर्ट, इसे इनेबल रखना है। मैंने रिक्वेस्ट रिकॉर्ड करते पानी ये अपने को 19 अक्टूबर को एक मैसेज दे देगा, बता देगा कि आप कहीं स्कैन व्हाट्सअप, जीबी व्हाट्सअप और स्कैन वो होता है ना ग्रुप, उनमें नहीं जुड़े हो, कोई स्कैम वाला मैसेज करके आपको तंग नहीं कर रहा है, ये सब कुछ बता देगा आपको 19 अक्टूबर को, ये बता देगा। तो दोस्तों इसे इनेबल करके रखना है, और 4 नंबर की है, और आगे भी मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग को रखना चाहता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। 5 नंबर की ट्रिक ये है कि अपन
अपना व्हाट्सअप ये जी व्हाट्सअप में कोई भी चैट है उसे वापस लाना चाहते हैं तो दोस्तों मिट गई है, या आपने दोबारा से इसे लॉगिन किया और आप पूरी चैट वापस लाना चाहते हो तो दोस्तों क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और जी वी सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद इसे क्लोज कर देता हूँ, यूनिवर्सल पे फिर से क्लिक करना है और एक चार नंबर पे आपको दिखेगा बैकअप एंड रिस्टोर, बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, बैकअप व्हाट्सएप डाटा रिस्टोर व्हाट्सएप डाटा, तो अपन को बैकअप व्हाट्सएप डाटा पे क्लिक करना है और ये अपना बैकअप ले रहा है। 665 मैसेज मेरे बैकअप में आ गए, बैकअप फिनिश इट, ये अपना बैकअप फिनिश हो गया। तो दोस्तों ये इस तरह से है और आगे भी बताऊंगा, तो इम्पोर्टेंट है आप वीडियो पे बने रहे। कब का आपको प्रूफ भी दे देता हूँ, जैसे ये मेरे नंबर है, इस पे मैंने क्लिक किया, थ्री डॉट पे क्लिक किया और अपन यहाँ से इसे क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लियर मोर पे क्लिक किया, कलर चैट पे क्लिक करके क्लियर चैट कर दिया, इसमें हाई था वो वापस लाना है तो आप क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, जी बी सेटिंग पे क्लिक करना है और इधर यूनिवर्सल पे क्लिक करना है, उसके बाद बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करना है, रिस्टोर व्हाट्सएप डाटा पे क्लिक करके इसे बैकअप नाउ पे क्लिक कर देना है रिस्टोरिंग डाटा। तो दोस्तों अपन आप देखेंगे थोड़ा सा बूम होगा और अपना चैट भी वापस आ जाएगा। ये दोस्तों ये मेरा खुल चुका है और फिर मैं चल जाता हूँ व्हाट्सएप, जी व्हाट्सएप को बैक करता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों ये लोड ले रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे नंबर थे और इधर मैंने हाई लिखा था आपके सामने मिटाया था और ये मैं वापस भी लेके आ गया। तो दोस्तों ये 5 ट्रिक कुछ इस तरह की थी, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों आगे जी व्हाट्सएप के मोस्ट पॉपुलर सेटिंग वगैरह होगी वो मैं सब पूरी वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आगे मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।